इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DTFT के एक और प्रॉब्लम के बारे में, जहां पे हमें x of e की पावर j ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 2 e की पावर j ओमेगा होल स्क्वायर गिवन है। तो हमसे x of n पूछा गया है, यानी इनवर्स DTFT का ये प्रॉब्लम है। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो, a की जो वैल्यू है, यहाँ पे इस तरह का फॉर्मूला हमने कहीं पर देखा था जहां पे a जो है, a की जो वैल्यू होती थी वो क्या हो, 1 से बड़ी हो, इस टाइप का फॉर्मूला देखा था क्या अभी तक? नहीं देखा था। तो हम क्या करेंगे, पहले तो उस फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे जो ए की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो उसके लिए ये वैलिड होता है रिजल्ट। तो हमें पता है ए की पावर एन यू ऑफ माइनस एन माइनस 1 का जो DTFT है कितना होता है, माइनस 1 अपॉन 1 माइनस ए ई की पावर माइनस जे ओमेगा। अगर किसी को ये बात पता है तो बहुत अच्छी बात है, जहां पे ए की वैल्यू क्या होती है, 1 से बड़ी होती है। अब मैंने क्या करा, इसका प्रूफ भी दिखाया। प्रूफ इसलिए दिखाया कि कुछ लोग, मैंने अपने जितने भी वीडियो बनाए इसमें इस वाले फॉर्मूले को कवर नहीं किया, इसलिए मैंने फॉर्मूला पीछे ड्राइव किया हुआ है जो इसका पार्ट नहीं करके मैंने अलग किया हुआ है। यहाँ पे देखो DTFT ए की पावर एन यू माइनस एन का ये क्यों होगा, तो यू माइनस एन माइनस 1 आ रहा, तो इसका मतलब ये लेफ्ट साइडेड सिग्नल है, लेफ्ट की तरफ जा रहा होगा। और ये ए की वैल्यू जब 1 से बड़ी है तब क्यों वैलिड है? मान लो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, ए की वैल्यू 2 है, तो मैंने ए की जगह यहाँ पे 2 लगा दिया। जब 2 लगाऊंगा तो पहले -1 रखा तो 2 की पावर -1, देन 2 की पावर -2, 2 की पावर -2 तो और छोटा होगा, 2 की पावर -3 और छोटा होगा, ऐसे ये छोटा होता चले जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, एक तरह से क्या हो रहा है, ये कन्वर्ज कर रहा है, यानी ए की पावर एन यू माइनस एन माइनस 1 कन्वर्ज करेगा जब ए की वैल्यू क्या हो, 1 से बड़ी हो। तो ये तो हमें कन्वर्जेंस इसका रिजल्ट पता चल गया है, वैसे भी ये फॉर्मूले में आ जाएगा जब हम इसको प्रूव करेंगे। आगे DTFT का फॉर्मूला ये होता है, माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी एक्स एन ई की पावर माइनस जे ओमेगा एन, एक्स एन की वैल्यू कितनी है, ए की पावर एन यू यू माइनस एन माइनस 1, इसी के रिजल्ट को हम निकालना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे देखो इसका फॉर्मूला लगाया, यू माइनस एन माइनस 1 क्यों, क्योंकि माइनस इनफिनिटी से माइनस 1 के बीच में ही सिग्नल होगा, तो ये लिमिट इसकी कितनी होगी। देन क्या करा मैंने, देखो जब दोनों लिमिट नेगेटिव होती है तो क्या करते हैं हम, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, किसी नेगेटिव नंबर से रिप्लेस कर देते हैं। तो हमने एन को माइनस एम से रिप्लेस कर दिया, तो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, एन माइनस एम हो जाएगा, एन की जगह माइनस एम रखा तो ये ई के पावर वाले टर्म तो पॉजिटिव बन गया। फिर हमने क्या ले लिया, दोनों पे पावर एम कॉमन है, तो यहाँ से ई की पावर माइनस में बचेगा, वहां तो प्लस हो गई थी, यहाँ पर ई की पावर जे ओमेगा बचा। इसके बाद मैंने इसको ओपन कर लिया समीशन को, ये क्या बैठ रही थी, एक जीपी सीरीज, क्योंकि कोई भी दो टर्म का रेशियो लो सेम आएगा, ई की पावर माइनस एम ए की पावर माइनस वन ई की पावर जे ओमेगा, जो मैंने आर की वैल्यू दे दी। जीपी सीरीज के इनफाइनाइट सीरीज का सम कितना होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला सबको पता होगा, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं। इसके बाद क्या क्या, ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म होती है, यानी ए की पावर माइनस वन ई की पावर जे ओमेगा, और आर की वैल्यू भी सेम है, तो हमने इस फॉर्मूले में लगा दिया। लगाने के बाद आर किसके लिए वैलिड होता है, 1 से जब छोटा हो, तो आर की वैल्यू हमने पता ही यहाँ पे लगाई है। देखो आर की वैल्यू यहाँ से तुम सोल्व करोगे, इस वाली चीज को सोल्व करोगे, ई की पावर जे ओमेगा मोड तो 1 हो जाएगा, ए इनवर्स को जब सोल्व करोगे तो क्या आएगा, ए की पावर मोड ऑफ ए ग्रेटर देन 1, वो चीज यहाँ से प्रूफ हो चुकी है। फिर अब यहाँ पे क्या किया हमने, इस चीज को सिंप्लीफाई किया, कैसे, ए की पावर माइनस 1 ई की पावर जे ओमेगा का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया, तो न्यूमरेटर में तो 1 हो जाएगा, ये आ गया यहाँ पे। देन क्या करा, डिनोमिनेटर को इससे डिवाइड किया, तो 1 अपॉन ये आ गया, और इस वाले टर्म को करूंगा डिवाइड, तो ये तो 1 ही हो जाएगा। यहाँ तक की कहानी समझ आई होगी सबको, इस चीज को क्या कर, ए की पावर इनवर्स को ऊपर ले आऊंगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये पावर नेगेटिव हो जाएगी। देन क्या करा मैंने, इसको अच्छा बनाने के लिए नीचे से माइनस 1 कॉमन ले लिया, दो बचेगा 1 माइनस ए की पावर माइनस जे ओमेगा माइनस 1, ये क्या है इसका DTFT। इसी चीज को हम यूज करने वाले हैं, यानी ए की पावर एन यू माइनस एन माइनस 1 का DTFT कितना होने वाला है, माइनस 1 अपॉन 1 माइनस ए ई की पावर माइनस जे ओमेगा, जहां पे ए की वैल्यू क्या होगी, 1 से ज्यादा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, यहां तक आ गई बात समझ। अब क्या करूंगा मैं, मुझे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 चाहिए, ठीक है, तो
ए की वैल्यू को तो मैंने मेंटेन कर लिया, तो मैं क्या करता हूँ एक ही जगह टू रख देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, टू की पावर एन यू माइनस एन माइनस वन का जो डी टी एफ टी है वो किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस वन अपॉन वन माइनस टू ई की पावर माइनस जे ओमेगा। ठीक है, तो अब देखो डिनोमेटर कुछ कुछ इस टाइप का दिखने लगा। अब देखो डिनोमेटर का स्क्वायर है, स्क्वायर में कैसे ला सकता हूँ, जब इसका डिफरेंशिएशन करूँ, तो डिफरेंशिएशन करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर मैं सिग्नल में एन की मल्टीप्लाई करता हूँ तो दूसरी तरफ डिफरेंशिएशन हो जाता है, ये डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी कहती है। क्या कहती है, अगर मैं एन का मल्टीप्लाई कर दूँ एक्स एन में तो क्या होता है, डी टी एफ टी पे क्या फर्क आता है, उसमें एक तो जे की मल्टीप्लाई होती है और क्या हो जाता है उसका डिफरेंशिएशन। तो हमारा एक्स ऑफ ई की पावर जे ओमेगा इस टाइम ये, तो इसमें जे की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो करो, तो एन की मल्टीप्लाई की मैंने एन इंटू ए की पावर ए सॉरी टू की पावर एन यू माइनस एन माइनस वन, इसका डी टी एफ टी कितना जाएगा, जे से मल्टीप्लाई और क्या कर देना है इसका डिफरेंशिएशन। तो टू की पावर एन यू ऑफ माइनस एन माइनस वन, तो क्या हो जाएगा, मैं इसे कैसे लिख सकता हूं थोड़ी देर के लिए, अब माइनस तो बाहर निकाल लेता हूं और ये क्या कर लेता हूं, वन माइनस टू ई की पावर माइनस जे ओमेगा की पावर माइनस वन लिख लेता हूं। अब मैं क्या लगाऊंगा, पावर रूल प्लस एन इंटू एक टू की पावर एन सॉरी ये बार बार ये लिख देता हूं, यू ऑफ माइनस एन माइनस वन का डी टी एफ टी कितना आ जाएगा, पहला पावर रूल लगाया माइनस वन वन माइनस टू ई की पावर माइनस जे ओमेगा की पावर माइनस, तो देन अंदर का डिफरेंशिएशन करेंगे, वन का तो हो जाएगा जीरो, टू ई की पावर माइनस जे ओमेगा का करो जल्दी से, तो ई की पावर माइनस जे ओमेगा का तो सेम ही रहेगा, देन माइनस जे ओमेगा करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का जे। ठीक है, बस अब इसको क्या करो, सिंप्लीफाई कर लो, एन इंटू टू की पावर एन यू ऑफ एन माइनस वन का डी टी एफ टी कितना हो जाएगा, ये दो यहाँ पे दो माइनस है ये तो प्लस हो गए, तो यहाँ पे कितना बचा जे, और ये वाली जो ये जो पावर माइनस टू है इसको मैं नीचे ले आता हूँ, वन माइनस टू ई की पावर माइनस जे ओमेगा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है दो माइनस यहाँ पर है, ठीक है, तो ये प्लस हो जाएंगे, टू ई की पावर माइनस छे ओमेगा बचेगा। ठीक है, अतः बात समझ आई होगी सबको, और सॉरी यहाँ पे जे भी है, टू के साथ जे भी होगा, तो जे की जे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जे स्क्वायर हो जाएगा एन इंटू टू की पावर एन यू ऑफ माइनस एन माइनस वन का जो डी टी एफ टी है वो कितना आ गया, यहाँ तो हो गया टू जे स्क्वायर ई की पावर माइनस जे ओमेगा वन माइनस टू ई की पावर माइनस जे ओमेगा का होल स्क्वायर। ठीक है, जे स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस वन, तो ये कितना हो जाएगा, एन टू की पावर एन यू माइनस एन माइनस वन का डी टी एफ टी कितना आ जाएगा, और माइनस टू ई की पावर माइनस जे ओमेगा वन माइनस टू ई की पावर माइनस जे ओमेगा का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक बात समझ आई होगी अभी तक। अब यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे, ई की पावर माइनस जे ओमेगा का टर्म मुझे नहीं चाहिए मेरे डी टी एफ टी में, क्वेश्चन देखो दिमाग से, वन माइनस टू ई की पावर माइनस जे ओमेगा का होल स्क्वायर, डिनोमेटर तो मैंने बना लिया, अब न्यूमेटर में वन छोड़ना है मुझे किसी भी तरीके से, न्यूमेटर में वन कैसे बना सकता हूँ मैं, तो ई की पावर जे ओमेगा का अगर मैं यहाँ पे कैसे भी e की पावर j ओमेगा का टर्म इससे मल्टीप्लाई करके ले आया तो ये वन हो जाएगा न्यूमेरेटर में, तो हमारा काम बन जाएगा। तो ये वन कैसे आ सकता है, याद करो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी
यानी मुझे प्लस का लाना, तो क्या करूंगा मैं एन को रिप्लेस कर दूंगा एन प्लस वन से। तो क्या करना है मुझे, रिप्लेस एन बाय एन प्लस वन। तो अब टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लग जाएगी इस पर, एन कितना हो जाएगा ये एन प्लस वन टू की पावर एन प्लस वन यू ऑफ ध्यान से यहां पे रिमूव करना एन प्लस वन। कुछ लोग मिस्टेक कर सकते हैं, ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं इसको, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए किसी के साथ। जब किसी चीज को रिप्लेस करते हैं तो उसको ब्रैकेट में लिखते हैं हमेशा, खासकर जब नेगेटिव साइन हो। देखो प्लस वन से शिफ्टिंग है तो ये इधर भी क्या आ जाए, इस डीटीएफटी में किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा दो भैया इसमें। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, ये ई की पावर जे ओमेगा कितने शिफ्टिंग है, प्लस वन से। तो ये दोनों जो एक्सपोनेंशियल टर्म है वो तो चले जाएंगे, और वहां पे क्या दिख रहा है मुझे, माइनस टू भी अभी दिख रहा है, तो मैं माइनस टू का अभी डिवाइड कर लेता हूँ दोनों तरफ। यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, माइनस वन माइनस वन टू के, माइनस टू का मैंने दोनों तरफ डिवाइड कर लिया। एक्सपोनेंशियल टर्म के दोनों ही मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा वन। अब जो एक क्वेश्चन गिवन था एकदम वही बन चुका हमारे यहाँ पे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। ये कितना हो जाएगा, टू की पावर एन प्लस वन को डिवाइड करूंगा टू से, कितना बचेगा केवल टू की पावर एन। ये कितना बचा, टू की पावर एन यू माइनस एन, माइनस वन हो जाएगा माइनस का टू। इसका डी टी एफ टी कितना आ गया, वन माइनस टू ई की पावर माइनस जे ओमेगा का स्क्वायर। ठीक, तो हमारा यहाँ पर एक्स ऑफ एन की हमसे वैल्यू पूछी गई थी, ये क्या आ गई, एक्स ऑफ एन कितना आ चुका है मेरा, माइनस एन प्लस वन टू की पावर एन यू ऑफ माइनस एन माइनस टू। ठीक, यही हमसे पूछा गया था निकालने के लिए। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन को किस टाइप से डील करना है सबसे पहले उसका शुरू से पता, शुरुआत पता होनी चाहिए। उसके बाद जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज का बहुत ज्यादा यूज रहता है इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल करने में। एक बार तुम्हें प्रॉपर्टीज याद है सारी, जिस भी ट्रांसफॉर्म को तुम लगा रहे हो तो उसको क्वेश्चन को करने में फिर ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। एक बार प्रॉपर्टीज को बहुत ज्यादा से पढ़ना, मैंने हर एक प्रॉपर्टीज को समझाया एग्जाम्पल के साथ, आप जाके दोबारा से देख सकते हैं। और आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा, इसका ट्रांसफॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, इसको फॉर्मूले के तौर पे नोट्स बनाकर लिख लेना। देखो कुछ ज्यादा था नहीं, जो भी तो प्रॉपर्टीज थी मैंने सारी लगा के बता दी है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं अपने सोशल मीडिया के जो लिंक है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, वो डाल दूंगा, आप वहां पे भी जाके अपने क्या डाउट पूछ सकते हैं। मैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ, तो आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मैं इंस्टेंटली देने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।